श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहर वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुज अग्रवाल अजमेर तनिष्क शोरूम से अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष्क की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। एमबी मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक प्रिंसिपल डीपीएस अजमेर तबीजी एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। हम मोहन के यहाँ पर विद्युत विभाग वालों ने मिलकर रोड बनने के बाद पाइप लाइन डालने का कुछ कार्यक्रम चालू किया है। वहाँ पर हमारे पानी की लाइन टूट गई, उस वजह से हम पानी की लाइन से बड़ी परेशान हो रहे हैं। हमारे इतने दिनों से काफ़ी दिनों से वैसे ही पानी की परेशानी थी गर्मियों के कारण, फिर पानी की और भविष्य दिवाली के दिन और परेशानी हो गई। हमारे साफ सफाई वगैरह हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। हम जनता बहुत इतनी परेशान हो रही है, सारे क्षेत्रवासी इतने परेशान हो रहे हैं। ये पानी जाता हमारे भोपावाड़ा नया भैया नयावाड़ा शास्त्री नगर सिव लाइन के अंदर भी जाता है पानी। यहाँ पे अधिकारी रहते हैं, उन लोग भी कोई किसी की नज़र नहीं है सिव उस काम के ऊपर। मेरा नाम किशन गिरी क्षेत्रवासी। अजी मैं तो आगे सुबह से कहा, आज तक इन्होंने विकास कार्य तो कराए नहीं। हमने जो विकास कार्य कराए उनकी सारी धूलदानी मैदान पानी कर रखी है। एक तो ये RSCB वाले, टाटा पावर वाले RSCB वाले, दूसरे वाटर वर्क्स वाले पानी तो टाइम पर दे ही नहीं रहे। 48 घंटे के लिए बोलते हैं, 72 घंटे में तो पानी दे रहे हैं, वो भी बिना प्रेशर दिवाली के टाइम में। और उसके बाद दूसरे पर अभी आकर हमने सुबह बोला तो बोला था पाइपलाइन फूट गई, पाइपलाइन को फूटी तो इनको यही मालूम नहीं कहाँ से फूटी है, पूरा रोड खोद दिया। बड़ी मुश्किलों से तो हमने रोड बनाया, ऐसा इनको परिंदे भी रोड नहीं बना सकते ठेकेदार। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने इनको भागा, अभी साजनगर में भी इन्होंने पाइपलाइन डाली पावर हाउस की लाइन में, वहाँ भी तो मलबा नहीं उठाया, मलबा भरा है, गाड़ियाँ आ रही जा रही, लोगों के घर में सफाई करे हुए में मिट्टी उठ उठ के जा रही है। और ये यहाँ की पाइपलाइन हमारे नयावाड़ा पुलिस लाइन भी सप्लाई होती है, कलेक्टर भी सप्लाई होती है, हरिनगर गणेशगढ़ बस्ती ओमनगर सिविल लाइन सब में यहाँ से सप्लाई है। आज कहीं की सप्लाई नहीं दे पाए और उसमें लग रहा है रोड के ऐसे धड़ियाँ उठ रही थी जिसकी आप हम वही नहीं कर सकते, इसकी जितनी आलोचना करें उतनी कम है। ये कम से कम एक डेढ़ डेढ़ फुट इन्होंने माल चढ़ाया था, उसको सारी 12 बजा दी और रोड की सारी खुदाई कर दी, जैन मंदिर से लेकर आगे कम से कम 25-30 फुट तक इन्होंने रोड कर दी साहब। मैं पार्षद गणेश चौहान, वार्ड 48, शास्त्री नगर।